थाना कबूला बड़ी डकैती की वारदात में पुलिस के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। डीपीओ, आरपीओ, आईजी, होम सेक्रेटरी, वजीर आला पंजाब से वाकया का नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यार गुजर। जी मोहम्मद यार गुजर, आगाह कीजिएगा। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन रजा खान रात वाल रशीद खान रात सकना नौरा रात के घर में 10 जनवरी 2021 की दरमियानी शब 6 मुसल्ला अफराद ने संगीन डकैती की वारदात की, जिसमें एक कीमती गाड़ी, बड़ी मकदार में सोना चांदी, कीमती मोबाइल फ़ोन और घरेलू कीमती अशिया को लूटा गया, जिनकी मालियत तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा बनती है, जिसका मुकदमा भी थाना कबूला में दर्ज कराया गया। SHO रजाक सलोत्रा ने अपने साथियों के अमरा मुबैना तौर पर डाकू ट्रेस किए और माल मसरूका भी बरामद किया, मगर पुलिस सारे का सारा माल हड़प कर गई। ये जब हमें डकैती हुई थी तो मतलब हमारी FIR के बाद अगले दिन ही मतलब ये डकैती की फौरन बाद ये टीवी पे भी खबर आ गई थी, तो पुलिस ने भी ये खबर खुद भी चलवाई। हमें डकैती हुई उसके बाद पीर मोहम्मद शेख अग्गा, अहमद शेख अग्गा, उनको डकैती हुई है। हमारे जिले में भी ये बहुत बड़ी डकैतियाँ, हमारी तो आज तक ये रिकवरी नहीं हुई। मजबूरन आज हमें मतलब ये प्रेस का सहारा लेना पड़ा और आपकी मदई को सबज बाग दिखाकर 2 तोले सोना और असल किया गया, और इतनी बड़ी वारदात में सिर्फ 2 तोले तलाई जेवरात की रिकवरी जाहिर कर दी गई। मदई मुकदमा और वामन नास ने पुलिस की इस फरार की आला हुकाम से इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। अली मेसी एक्सट्रीम दोनों तरफ से सेम है, यही तो गेम है।